हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हिंदी पढ़ाने आज फिर से आप सबके समक्ष आई हूँ, विशेषकर कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक के लिए, क्योंकि आपकी बोर्ड के अनुसार तीनों क्लास के बुक्स सेम होने के कारण, हालांकि क्लास 9 और 10 के कुछ अलग है, एक दो बुक दो बुक कॉमन है, सो उस दो बुक के कारण मैं आप सबको एक साथ पढ़ाने आई हूँ। सो अब देखिए, आज आपके विषय के अनुसार, जैसे पिछले बार हमने पढ़ा था महायज्ञ के पुरस्कार कहानी, गद्यदास से है आपके साहित्य सागर, और कहानी का नाम महायज्ञ के पुरस्कार, लेखक आपका यशपाल। सो आप जानते हैं, हमेशा की तरह हम सबसे पहले कोई भी कहानी शुरू करते हैं तो लेखक के परिचय से ही शुरू करते हैं। सो लेखक परिचय, यशपाल जी एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी माना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजा छावनी में हुआ था। इनका शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी तथा नेशनल कॉलेज लाहौर में प्राप्त की थी, और इन्हें इस कहानी के अलावा इन्होंने कई सारे साहित्य भी रचे, जैसे निबंध, संस्मरण, नाटक इत्यादि। इन सब के फलस्वरूप इन्होंने भारत सरकार से कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे पद्म भूषण अलंकार से इन्हें विभूषित किया गया, और अंत में उनका जीवन के अंतिम दिन 26 दिसंबर 1970 को इनका निधन हो गया, जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत नुकसान रहा। ये रहा आपका लेखक परिचय, और विषय आपके कहानी के जो शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। सो महायज्ञ के पुरस्कार से बच्चे आप क्या समझे, कोई बता सकते हैं कि महायज्ञ का पुरस्कार से आप क्या समझे? ये उचित शीर्षक है कहानी के अनुसार, सो आप क्या समझे? चलो मैं ही समझा देती हूँ। महायज्ञ जो अपने लिए ना सोचकर किसी अन्य जीव जंतु के लिए सोच के जो भी कार्य किया जाता है उसे महायज्ञ से कम नहीं कहते हैं। सो इस कहानी में भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है, एक पात्र है जो सेठ के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चे मैं थोड़ा सा कहानी दोहराती हूँ आपको कि इस कहानी में क्या होता है। एक सेठ जो बहुत ही धनी, हर धन संपन्न से वो परिपूर्ण संपन्न रहता है। सो एक दिन सेठ के घर कई सारे मांगने, कई सारे याचक आए। सो जो भी याचक आते, जो भी मांगने आते उनके द्वार, कभी कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। कुछ ना कुछ उनकी जरूरतों के अनुसार कुछ ना कुछ उन्हें दे ही देते थे। कोई निराश उनके द्वार से कभी नहीं लौटता। किंतु कहते हैं ना, सब दिन हो तो ना एक समान। सो एक दिन ऐसा ही सेठ के जीवन में भी ऐसा समय आया कि उसको खाने, एक रोज की रोटी खाने के लिए वो तरसते थे। एक रोज की रोटी खाने के लिए वो तरसते थे। इतना कुछ घटना घट जाता है उसके जीवन में, एक रोटी के लिए वो तरस पड़ता है। एक दिन उनकी पत्नी सेठानी ने उन्हें क्या सुझाव दिया कि सेठ, आप क्यों ना अपने कई सारे यज्ञों में से एक यज्ञ कुंदनपुर नाम के धन्ना सेठ यहाँ बेच आए, ताकि उस बेचे हुए दाम से अपनी जीविका हम चला सकते हैं।
उन्होंने ये सुझाव दिया। एक दिन सेठ बड़े सवेरे हो जाते हैं, उनकी पत्नी सारी जुगाड़ कर देती है रास्ते भर उनको किन किन चीजों की जरूरत, क्योंकि कुंदनपुर उनके गांव से काफी दूर थे। सो उन्होंने क्या किया, उनकी सेठानी ने उनके लिए रोटियां बनाई, कहीं 4-5 रोटियां बनाई ताकि रास्ते में उन्हें भूख लगे तो वो अपने भोजन खा सके, पानी भी तैयार की। सो इस प्रकार सूर्य उदय से पूर्व ही सेठ अपने घर से निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन दिनों काफी गर्मी रहती है, काफी गर्मी थी जिस वजह से उन्हें जल्दी ही निकलना था। दोपहर होने से पूर्व सेठ को कुंदनपुर पहुंचना था। चलते गए काफी कोसों दूर वो चल पड़े। फिर बहुत गर्मी उनको सताने लगी। उन्होंने देखा कि धूप भी बहुत है, क्यों ना मैं कुछ समय के लिए इस बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करूं। वो विश्राम किए, पेड़ के ठीक नीचे वो विश्राम करने लगे। उन्होंने अपनी पोटली में से जिन्हों सेठ के सेठानी ने जो भी कुछ बना के रोटियां तैयार करके भेजी थी पोटली से निकाले, पानी निकाले, क्योंकि पास में कुएं थे कुएं से उन्होंने पानी निकाले और अपनी रोटियां उस पानी के साथ खाने की तैयारी करने लगे। वो एक रोटी उस पोटली से निकाल के टुकड़ा करने वाला ही होता है, वो क्या देखता है, उसके आसपास उसके बहुत ही समीप एक मरणासन में पड़ा एक भूखा कुत्ता तड़पते हुए वो देखता है। अब सेठ को दया आई सोचते थे कि भाई क्या किया जाए, ये रोटी मैं खाऊं, इससे अच्छा मैं क्यों ना उस भूखे मरणासन में पड़ा कुत्ता को खिलाऊं। ज्यादा कुछ नहीं सोचा सेठ ने, वो रोटी मुंह में डालने से पहले ही उससे उस कुत्ते के यहाँ दे दी और वो बेचारा कुत्ता खा रहा था, बड़े चाव से खाए। ठीक है, पहली रोटी खत्म। अब उन्होंने दूसरी रोटी उठाई, दूसरी रोटी भी वैसे ही टुकड़ा हाथों से करके वो खाने ही वाला था। फिर देखता वो बेचारा था मरणासन में पड़ा कुत्ता फिर से वो गर्दन उचकाए सेठ की ओर देखता रहता। उसे आशा थी उस कुत्ता को कि सेठ वो रोटी भी उसे दे देंगे। सेठ ने और कुछ नहीं सोचा, ज्यादा लंबा कुछ नहीं सोचा, उन्होंने वो रोटी भी उसे खिला दिया, दूसरी रोटी भी गई। अब तीसरी रोटी वैसे ही पहली दूसरी की तरह उन्होंने तीसरी रोटी भी खाने की तैयारी की, टुकड़ा किया मुंह में डालने वाला था, फिर वो बेचारा धीरे धीरे घसीटता हुआ उस रोटी की ओर देखता है। अब सेठ फिर सोचने लगता है, भाई मैं तो पानी पी के भी जिंदा रह सकता हूं, मैं कुछ देर के बाद तो मैं उस गांव में पहुंच ही जाऊंगा, किंतु ये कुत्ता बेचारा ये नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इस कुत्ते का अंदर इतना जान नहीं कि वो चल फिर के घसीट के उस गांव तक पहुंच जाए रोटी के लिए। हाँ, मैं तो पहुंच ही सकती हूँ। सो लेखक ने कुछ नहीं सोचा, सेठ ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया, उस रोटी को भी उन्होंने उसी भूखे कुत्ते को खिला दिया। अब अंतिम चौथा रोटी उनके साथ था और वो चौथी रोटी को भी उन्होंने वैसा ही खाने के लिए वो तैयारी कर ही रहे थे, पानी के साथ वो लेने वाले ही थे कि देखते हैं वो कुछ घसीटते हुए बिल्कुल सामने आ गया उसके, पहला दूसरा तीसरा खाने के बाद तो वो बिल्कुल थोड़ा जान आ गई थी उसे।
गर्दन उचकाए आंखों से वो कह रहा है कि काश ये रोटी भी मुझे दे देते। अब क्या कर सकते थे, बस उस कुत्ता के सामने सेठ का कुछ नहीं चला। सेठ का मन पिघल गया, वो चौथी रोटी भी उसे ही दे डाले। खाया, देखा वो खा के कुछ चल के आगे चल रहा था। चौथी रोटी खाने के बाद वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। सेठ जी को लगा चलो ये रोटी खाने के बाद कुछ दूर गांव तक वो चला जाएगा और आगे अपने भोजन की जुगाड़ वो कर सकता है स्वयं। बच्चों इस कहानी से क्या समझ में आया आपको, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कोई बता सकते हैं भाई, कि यहाँ सेठ ने किए जो काम अपना स्वयं भूखे रहकर एक मरणासन कुत्ते को रोटी खिलाना कितनी बड़ी बात है। अपने परवाह बिना किए एक मानव होने के, एक इंसान होने के जो कर्तव्य इन्होंने निभाए शायद कोई और नहीं निभा सकता। तो स्वयं भूखे रहे। सो इससे पता चलता है कि भाई सेठ जी ज्यादा विचार करने वाले थे, ज्यादा सोचने वाले थे कि इंसान यानी मुझसे ज्यादा, सेठ का सोचना था कि मुझसे ज्यादा जरूरी रोटी उस मरणासन में पड़ा कुत्ता के लिए जरूरी था। उन्होंने यही किया, ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उन्होंने यही किया। और इससे लेखक कहते हैं कि इससे धन्ना सेठ के यहाँ तो पहुंच गया था, धन्ना सेठ के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा, लेखक है यशपाल जी, इस कहानी को लेके मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि भाई ये कहानी है क्या। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक से सब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई महायज्ञ का क्या पुरस्कार हो सकता है। हाँ सोच आता है, सही बात। सो ये शीर्षक की चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं लेखक की परिचय आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे यशपाल जी इस कहानी के लेखक हैं, वे एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी माना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजा छावनी में हुआ था। शिक्षा गुरुकुल कांकड़ी तथा नेशनल कॉलेज लाहौर में प्राप्त की थी। इन्होंने खाने के अलावा कई सारे संस्मरण और कई सारे साहित्य विधा इन्होंने रचे। इतने सारे साहित्य में अपने योगदान देने के कारण लेखक को भारत सरकार की ओर से कई सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए, जैसे पद्म भूषण जैसे पद से उन्हें सम्मानित किए गए। ये थे आपके लेखक के संक्षिप्त परिचय। सो मैं आशा करती हूँ बच्चों
गए होंगे लेखक परिचय संक्षिप्त में। अब चलते हैं कहानी का परिचय। अब चलते हैं महायज्ञ कहानी का परिचय। महायज्ञ का पुरस्कार से आप सब क्या समझे, कोई बता सकता है? यस ओके। महायज्ञ जो कहानी के अनुसार एक सेठ हुआ करते थे, काफी धनी, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, हजारों लाखों याचक उनके द्वार पे आते थे मांगने के लिए, जिनको जैसी जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती वे यानी सेठ उन्हें प्रदान करते। कोई भी याचक उनके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं जाते। कहते हैं ना, सब दिन होत न एक सम्मान। सो सेठ के जीवन भी ऐसे हुए एक दिन, सब धन समाप्त हो गए। ऐसी घटना घटित हुई कि उनकी सारे धन समाप्त हुए। एक दिन उनकी पत्नी यानी सेठानी ने उन्हें सुझाव दिया, क्योंकि उनके एक रोज की रोटी खाने की नौबत तक नहीं आई। सेठानी ने उन्हें ये सुझाव दिया, क्यों ना सेठ एक कुंदनपुर नामक गांव में धन्ना सेठ नाम से एक सेठ रहते हैं, उनके यहां अपने एक यज्ञों को बेचा। सेठ ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, पत्नी के द्वारा दिए जो भी सुझाव थे पूरा घर सोते समय विचारता रहा, और सवेरे उठ के ही वो चल गए। रास्ते के लिए सेठानी ने उनके लिए चार रोटियां बना के एक पोटली में बांध के उन्हें दी, ताकि जो कुंदनपुर है उनके यहां से काफी दूर थे, ताकि रास्ते में उन्हें भूख लगे तो वो चारों रोटी खा के अपनी भूख मिटा सके। ज्यादा कुछ नहीं सोचा सेठ, वो रोटी लिए और चल दिए। चलते गए, उन दिनों गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी, सूर्य उदय से पूर्व ही वो अपने घर से निकल पड़े। चलते गए, दोपहर होने से पूर्व उन्हें काफी थकान हुई। एक पेड़ थी, उस पेड़ के घने छांव में उन्होंने विश्राम की। पास ही में एक कुएं थे, लोटा भर पानी लिया और अपने पोटली में से जो रोटियां बना के भेजी थी उनकी सेठानी ने, वो रोटियां उन्होंने निकाली। काफी प्यास भी लगी थी और भूख भी। उन्होंने पोटली में से रोटी निकाल के पानी के साथ एक रोटी निकाल के खाना शुरू करने ही वाले थे, वो क्या देखते हैं उनके कुछ एक दो कोस दूर एक भूखा कुत्ता, कई दिनों से भूखा मरणासन में पड़ा कुत्ता दिखाई देता है। सेठ उस कुत्ते की ओर देख के अपने को निकाली पहली रोटी उस कुत्ते को दे देते हैं। दया के भाव जागती है कि भाई कई दिनों से नहीं खाया है, तभी तो इतना कमजोर सूखा दुबला मरणासन में पड़ा हुआ है। ये सोच के दूसरी रोटी निकाली, दूसरी रोटी भी सेठ ने उसी कुत्ते को खिला दी। अब बचे उनकी तीसरी रोटी,
रोटी से निकाल के खाने ही वाले हैं। फिर देखते हैं कि बेचारा वो कुत्ता गर्दन उचकाए ऐसे रोटी की ओर अपने आप बढ़ेगी। सेठ ने वो तीसरी रोटी भी उसी कुत्ते को खिला दी। अब देखा उन्होंने उस कुत्ते में कुछ थोड़ी सी जान आ गई थी, थोड़ा अपने जगह से वो मूवमेंट करना हिलडुल करना शुरू कर दी। अब सोचा सेठ ने कि जो चौथी रोटी है मैं इसे खा के एक रोटी खा के अपने पेट भर लूंगा। उन्होंने चौथी रोटी निकाली, चौथी रोटी भी खाने वाली होती है। देखते हैं वो कुत्ता की नजर उसी रोटी पे अटकाए हुए है और मानो उसकी आंखें कह रहा हो ये रोटी मुझे दे, काश ये रोटी मुझे दे देते। सेठ ने वही किया, वो चौथी रोटी देने की सोची और उन्होंने दे दी। सोचा कि ये चौथी रोटी खा के कम से कम वो इस जगह से कुछ दूर गांव जाके अगले भोजन की वो स्वयं जुगाड़ कर सकता है। वो रोटी खाए और सेठ देखते हैं उस कुत्ते को धीरे धीरे चलते हुए। बच्चों ये रहा सेठ के कार्य। सेठ ने एक मानव होने के नाते जो धर्म है वो निभाया। ये धर्म ऐसा धर्म जो महायज्ञ से कम नहीं। कहते हैं ना लोग कई सारे पाठ पूजा करते हैं घरों में, कई सारे यज्ञ चलाते हैं, कई सारे दान दक्षिणा देते हैं, किंतु इस प्रकार की भावना लोगों के मन में ना हो तो वो यज्ञ वो पाठ पूजा करने का कोई मतलब नहीं। जीवों में प्राणियों में दया की भाव जगाना या जागना ही सबसे बड़े कर्तव्य है एक इंसान होने के नाते। सो बच्चों हमें भी इंसान होने के नाते अपने धर्म अपने कर्तव्य ऐसे ही सेठ के जैसे हमें निभाने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं उनके उद्देश्य और कई सारे कैरेक्टर्स हैं कई सारे पात्र हैं उन पात्रों की परिचय आपके सामने रखती हूँ।